गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा, हमने लेसन 10 स्टार्ट किया हुआ है द कंजक्शन। मैंने आपको बुक में से रीड करवाया था और एक्सरसाइज करवाई थी। आज इसका क्वेश्चन डेफिनेशन हम इसकी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ कंजक्शन? ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस टूगेदर। इट इज़ कॉल्ड लिंकर्स और कनेक्टर्स ऑल्सो। कंजक्शन क्या होते हैं? जो कि वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, और इट इज़ कॉल्ड लिंकर्स और कनेक्टर्स। इन्हें क्या और बोलते हैं? लिंकर्स या कनेक्टर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल, आइस इज़ कोल्ड बट फायर इज़ हॉट। आइस बर्फ़ जो है वो ठंडी है, लेकिन फायर जो इज़ हॉट, आग जो है वो गर्म है। अब यहाँ पर बट आ गया, लेकिन आ गया, अब टू सेंटेंस है। बर्फ़ ठंडी होती है लेकिन आग गर्म होती है। बट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए अदरवाइज और बट ये यूज़ किया, अब ये क्या हो जाएंगे? हमारे कंजक्शन। इसे लिंकर्स भी बोल सकते हैं और कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस? यहीं तक करेंगे, डिफाइन नहीं करना है। डिफाइन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके, अब मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, पार्ट हमारा डी रहता है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में जो कंजक्शंस वर्ड दिए हुए हैं उनसे आपको कंप्लीट करना है, उनको आपने टू सेंटेंस को ज्वाइन करना है। He came first in the competition, he was humble. Although he came first in the competition, he was humble. जबकि वो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया है तो भी he was humble, वो नम्र है। ऐसा नहीं हुआ कि उसे कोई घमंड आ गया है। He hurt himself, he fell from the stairs. He hurt himself when he fell from the stairs. उसे बहुत हर्ट हो रहा था, दुख रहा था जब वो स्टेयर से गिरा। द बेबी वाज क्राइंग, इट वाज हंग्री। अब यहाँ बिकॉज से हमने ज्वाइन करना है, द बेबी वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंग्री। नेक्स्ट, यू कैन गो टू शिमला बाय रोड, यू कैन गो बाय एयर। अब यहाँ पे और से करेंगे, यू कैन गो टू शिमला बाय रोड और बाय एयर। मैं नेक्स्ट, मोहन अराइव्ड इन द मॉर्निंग, यू वर इन स्कूल। यहाँ पे वाइल से ज्वाइन करना है, मोहन अराइव्ड इन द मॉर्निंग वाइल यू वर इन स्कूल। ये आपको 5 सेंटेंस हैं पार्ट डी, आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।